क्या क्या सपने सजाए थे मेरे आज के दिन के लिए। मम्मी की कसम, आज सोचा था खिच्चे मारूंगा, मोहल्ले वालों की गुड़िया काटूंगा, क्योंकि भाटा स्पेशली अंबरसर से चरखड़ी पिने और गुड़िया लाया था। अलग अलग डिजाइन वाले गुड्डे लाया हुआ था, भूत वाला गुड्डा, दो आंखों वाला गुड्डा, चेस वाला गुड्डा, और स्पेशली डीजे वाले को एडवांस पेमेंट कर दी थी कि जैसे ही भट किसी मोहल्ले वाले की गुड़ी काटेगा, सिद्धू मूसे वाले के गाने चलाना, चल गया और चली चली रे पतंग मेरी चली रे। और स्पेशली भट साहब ने आज एक बड़ा गुड्डा डिजाइन, किंग साइज गुड्डा डिजाइन करवाया था, जिसके ऊपर स्पेशली लिखवाया था लाडा टोचे। इन मोहल्ले वालों की जब छोटी छोटी गुड़िया उस मेरे गुड्डे के सामने आती, अपने आप चल लगा टच। लेकिन इस बारिश ने भट साहब को ही टच लगा दिया। मम्मी की कसम, बड़ा गलत हो गया मेरे साथ, मैंने क्या क्या सपने सजाए थे। अब तो कोई काम भी नहीं है करने के लिए, अब क्या करूंगे, कोई काम भी नहीं। किसने कहा काम नहीं है? बारिश की वजह से छत पर पानी इकट्ठा हो गया है, पर नाले से निकाल देना। तुझे घर से ना निकालूं मैं? क्या कहा? मैं बोल रहा हूँ अभी निकाल देता हूँ। मैं भी यही सोच रहा था कि पानी इकट्ठा हो गया पर नाले से पानी बाहर निकाल देता हूँ, अभी निकालता हूँ। मैं भी यही सोच रहा था। और नीचे आके फर्श भी साफ कर देना। मुझे दुनिया से साफ ना कर दूँ? क्या कहा? कर दूँ। साफ कर दूंगा, क्यों नहीं, फर्श भी साफ करना, गंदे पैर लगे हैं ना फर्श के ऊपर। अभी अभी करता हूँ सब कुछ। मम्मी की कसम, एक तो बारिश ने परेशान किया, दूसरा मेरी बीवी। सोचा था आसमान के ऊपर से मोहल्ले वालों की गुड़िया साफ करूंगा, लेकिन यहाँ छत साफ करना पड़ रहा है। मम्मी की कसम। जमाना तो है नौकर बीवी का, लोग मुझे क्यों देते हैं ताना। आज एक छोटा सा वीडियो था मेरी और यशिदा की तरफ से, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। और तो सारे खुश रहो, हंसते रहो। अगर तुझे सारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर शेयर करो, तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स से जरूर दे।